मेसनरी की शुरुआत मिस्र से हुई, जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। अमेरिका समेत लगभग पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क है। अंदाजन लगभग 60 लाख लोग इस संगठन से जुड़े हैं। फ्री मेसनरी के ऑफिस खुले हुए हैं, जिसका पता सबको मालूम है। फिर ये सीक्रेट सोसाइटी कैसे हो सकती है? सामने रहकर भी रहस्यों से भरी इसी संस्था का माया जाल देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड गुप्त, शेडोज ऑफ सीक्रेसी। March 19, 1943, विशी सेंट्रल फ्रांस। हिटलर के कब्जे वाले फ्रांस में एक फिल्म रिलीज हुई, जिसका टाइटल था फोर्सेस ऑकल्ट्स, यानी गुप्त ताकतें। ये फिल्म फ्री मैसनरी सीक्रेट सोसाइटी पर आधारित थी, जिसमें दावा किया गया था कि फ्री मैसनरी सोसाइटी के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और यहूदियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं ताकि फ्रांस भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। इस फिल्म को हिटलर का प्रोपेगेंडा माना गया, जबकि फिल्म के डायरेक्टर जियां मामी का दावा था कि वो साल 1931 से 1939 तक फ्री मैसनरी से जुड़े रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी कितनी खतरनाक है। फ्री मैसनरी मिस्र से शुरू हुए इस रहस्यमय संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट सोसाइटी नेटवर्क माना जाता है, जिसकी शाखाएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीका सब जगह है। ये सोसाइटी अंडरग्राउंड नहीं है, हर देश में फ्री मैसनरी लॉज है, जहां संगठन के लोग अजीबोगरीब कर्मकांड और परंपराओं का पालन करते हैं। हालांकि ये कोई धार्मिक समूह नहीं है। फ्री मैसनरी किसी बाहरी आदमी को नहीं बताते कि उनका इरादा क्या है। वो चैरिटी यानी समाज सेवा में जुड़े होने का दावा करते हैं। फ्री मैसनरी के नेटवर्क में अलग अलग ओहदे होते हैं, जिन्हें डिग्री कहा जाता है। स्कॉटिश राइट नाम के फ्री मैसनरी में सबसे ऊंचा ओहदा होता है 33 डिग्री मैसनरी। One of the more fabled degrees you may hear about is the 33rd degree, a degree only offered sparingly by the appendant Masonic organization known as the Ancient Accepted Scottish Rite. दावा किया जाता है कि फ्री मैसनरी कोड वर्ड में बात करते हैं और हाथ मिलाने का उनका अलग स्टाइल है, ताकि एक फ्री मैसनरी दूसरे से हाथ मिलाते ही पहचान ले। फ्री मैसनरी संगठन का राज कभी नहीं उजागर करते। कुछ लोगों का दावा है कि फ्री मैसनरी का पूरा नेटवर्क और काम करने का तरीका इटली के माफिया जैसा है। We have to keep in mind that the Freemasonry and the Mafia have many things in common. Both organizations, for example, share values of humility. They share the respect for rules, the respect for the hierarchy. Like Freemasonry, the Mafia has initiation rituals and rules of behavior rooted in secrecy.